नमस्कार, मैं लीजा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। भ्रष्टाचार पे मुखर होके बोलने वाले विधायक सरयू राय साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जो दो दिन पहले हालात हुए, कांग्रेस के तीन विधायकों को बंगाल में कैश के साथ पकड़ा जाता है, इस पे राय लेंगे। तीन विधायकों को बंगाल में कैश के साथ पकड़ा जाता है और झारखंड के तीनों विधायक, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है कि तीनों विधायक पकड़े गए। पकड़े गए तो वहाँ की CID या झारखंड की सरकार या कांग्रेस पार्टी को उनसे पूछना चाहिए था कि भाई ये पैसे आप कहाँ से लाए हैं। तीन विधायकों में 48 लाख मिला है, अगर एक एक पर 16 लाख ही है तो हो सकता है कि साबित कर दें कि साहब ये इस स्रोत से हमने ये पैसे लिया है। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण उनसे नहीं पूछा, उनको निलंबित कर दिया, उन पर FIR कर दिया। इसका मतलब कि कांग्रेस उनको बलि का बकरा बनाना चाहती है। मेरी सूचना के हिसाब से ये तीन मिलाकर कुल 13 थे, बाकी 10 पर कोई आँच न आए, इसलिए उन पर कांग्रेस ने FIR कर दिया और उनको निलंबित कर दिया पार्टी से। कांग्रेस उनको डरा रही है, धमका रही है, उनको बलि का बकरा बना रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि साजिश के सारे पहलू सामने आए। आप कह रहे हैं कांग्रेस उसने बलि का बकरा बना रही है, कांग्रेस कहती है कि ये सब कुछ किया धरा BJP का है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे सही बात, उचित बात वो विधायक ही बता सकते थे ना कि वे BJP के प्रभाव में हैं कि नहीं है। मैंने आरंभ में ही कहा कि तीनों विधायक में से दो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो पूरा समुदाय भारतीय जनता पार्टी का ही तैसी नहीं है, तीसरे जनजातीय समुदाय से हैं। और ये तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस के अग्रणी विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के भी करीबी रहे हैं। इनको बताने का मौका तो मिलना चाहिए कि भाई ये पैसे कहाँ से आए। ये कांग्रेस बताने नहीं दे रही है, उनको मौका नहीं दे रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमारे भीतर अंदरूनी कोई साजिश हो रही है, उस साजिश की भी पोल खुले। इसलिए हर बात में भारतीय जनता पार्टी को दोष देना ये उचित नहीं लगता है कांग्रेस की तरफ से। आज फुरकान साहब ने भी यही कहा है और मुझे भी लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक और इन पे लगाया जा रहा है आरोप कि सरकार को अस्थिर कर रहे हैं, ये इनका हाथ था, इस पे क्या कहें? ये तो सरकार को बताना चाहिए, प्रमाण देना चाहिए। अगर सरकार के पास कुछ प्रमाण है तो बता दें कि हमको अस्थिर किया जा सकता है। मगर जो सरकार न अपना बचाव कर पा रही है, न जो इस पर हमला करने वाले हैं उन पर हमला कर रही है, तो वैसी सरकार के साथ तो ऐसा होना ही होना था। इसलिए कोई बहुत अजूबा नहीं है, ये साजिश का हिस्सा है। साजिश खुलकर तभी सामने आएगी जब ये तीनों विधायक अपना मुंह खोलेंगे। एक दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूँगी हट के राज्य के लिए कि राज्य को कहा जाता है कि यहाँ गरीब लोग हैं, यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पैसे की कमी है, ये सब, और ये दूसरे हालात विधायक इस तरह की चीज़ों में लिप्त दिखते हैं, तो क्या लगता है राज्य किस तरफ जा रहा है? देखिए, राज्य जब बनने के 2-3 साल के बाद से ही इस राज्य में भ्रष्टाचार, राज्य में विधायकों मंत्रियों की भूमिका, अफसरों की भूमिका सामने आने लगी, राज्य की छवि धूमिल हुई। आज लगता है कि वही सिलसिला आज भी चल रहा है, मतलब दोबारा वो सारी चीज़ें आ रही हैं। इसलिए इस राज्य की राजनीति में क्या मौलिक खामी है, इस पर दलों को विचार करना चाहिए और जनहित के साथ रहने के बदले अपने लोभ लाभ के हित के साथ लोग रहेंगे तो ऐसा ही होगा। सरकार बनती है तो सरकार अच्छा कार्रवाई नहीं करती है, काम नहीं करती है तो जनता खुद ही उसकी मुखालिफत करने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। जैसा कि आपने सुना इनका क्या कुछ कहना था, इनका कहना था कि इस तरीके की हालात जो दोबारा बने हुए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं। पहले राज्य बनने से पहले जो बाद में जो हालात उत्पन्न होने लग गए थे वो हालात दोबारा से सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं जनता को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ऐसे प्रतिनिधि को चुनने से भी जनता को इनकार कर देना चाहिए साफ तौर पर। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ।